माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो हमारा केक है, हाफ के जी का केक हम बनाएंगे। बाकी केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। काफ़ी सिंपल सा केक है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल केक होने वाला है, क्योंकि छोटे से केक को ही हम काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज़ करेंगे आज, जैसे कि कस्टमर की डिमांड है उसके हिसाब से। कुछ हम यहाँ पर फॉन्डेंट वर्क करेंगे और कुछ हम स्टिकर वर्क करेंगे, दोनों चीज़ें करेंगे। और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो हम अपने हिसाब से रखेंगे, जैसा हमें क्लाइंट ने कहा है, तो सारी चीज़ें वैसे ही करेंगे हम यहाँ पे। और साथ में आज रसमलाई केक है लेकिन बिना रसमलाई के, यानी कि रसमलाई एसेंस और जो बाकी यहाँ पे क्रश है वो हम यूज़ करेंगे रसमलाई का। बाकी जो रसमलाई की मिठाई है हम वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि क्लाइंट के बजट के हिसाब से सारी चीज़ें, तो मैंने बाकी सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस कर ली थी। बाकी यहाँ पे केक की कटिंग जैसे हम करते हैं वैसे हम केक की कटिंग करेंगे। प्रीमिक्सेस कौन से यूज़ करती हूँ मार्केट वाले, वो तो मैं आप सबके साथ शेयर करती ही हूँ। मैं हमेशा हर एक के कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताती हूँ जब भी आप मुझे पूछते हो। और कई बार बहुत ज़्यादा वाइट इसलिए लगता है आपको केक स्पॉन्ज, क्योंकि लाइटिंग की वजह से। मैं हमेशा जो भी अपना वीडियो शूट करती हूँ वो लाइटिंग में करती हूँ और खिड़की के पास थोड़ा सा नज़दीक होके करती हूँ, ताकि अच्छी जो एक ओरिजिनल लाइट है वो आए। और साथ में कुछ हम जो कलर के होते हैं यानी कि फ़िल्टर्स होते हैं वो भी थोड़े हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कई बार ब्राइट भी लगता है, क्योंकि कई बार बहुत सनी डे होता है जिसकी वजह से भी कई बार जो केक स्पॉन्जेस है बहुत वाइट लगते हैं। और जहाँ पर मैं बनाती हूँ वहाँ पर रोशनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब मैं रात को शूट करती हूँ तो काफ़ी डल लाइट रहती है और सूरज की रोशनी तो रहती नहीं है, तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से कई बार स्पॉन्जेस बहुत ज़्यादा वाइट भी लगते हैं आपको। तो बाकी सॉफ्ट तो हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे आप हमेशा वीडियोज़ में देखते हो, और हाइट में भी कई बार डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो कई बार ऊपर से करते हैं जूम करके, कभी कई बार थोड़ा दूर करके क्लोज़ करके, तो उसकी वजह से भी डिफरेंस आता है। बाकी मुझे जो भी ऑर्डर्स आते हैं, जो भी मेजरमेंट होती है, वो मैं आपको सेम एग्जैक्टली वही बता देती हूँ। बाकी आप जो है उसे अपने हिसाब से ज़्यादा कम जैसे है आप बना सकते हो रिक्रिएट करके। यहाँ पे जो है हमने बहुत पहले जो क्रश यूज़ किया था वही वाला मैंने यहाँ पे क्रश यूज़ किया, मेरे पास पड़ा था और ये काफ़ी टाइम से फ्रिज में पड़ा था ना, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी थी ना वो थोड़ी सी थिक हो गई थी, तो यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाकी ये फ्लेवरफुल तो काफ़ी ज़्यादा है, बस थोड़ी सी स्वीटनेस इसमें ज़्यादा है। वैसे मैंने क्लाइंट को कह दिया था कि स्वीटनेस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, स्वीटनेस थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है। और जब मैंने इसे न्यू परचेज़ किया था ना तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी लिक्विड थी, थोड़ी लूज़ थी, लेकिन ये काफ़ी टाइम से भी मैंने 2-4 महीने से इसे फ्रिज में रखा है तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो गई है, थिक हो गई है। तो अभी यूज़ करने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि इतने मंथ्स के बाद मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो इसका रिजल्ट अच्छा आया। तो ऐसे आप चाहो क्रशेस को गर्मी में भी फ्रिज में रखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी थिक रह जाते हैं और बाहर थोड़े लूज़ हो जाते हैं टेम्परेचर की वजह से। बाकी आप बाहर भी रख सकते हो क्योंकि सारे मार्केट वाले होते हैं, तो ख़राब तो नहीं होने वाले हैं बिफोर डेट एक्सपायरी के, तो आप फिर भी फ्रिज में रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वन बाय वन जैसे हम लेयरिंग करते हैं केक की वैसे ही हम करेंगे। येलो कलर की हमने क्रीम बना ली थी। और बाकी जो भी आपके डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए। और आप सबके साथ एक बात शेयर करनी थी कि मेरे 3K सब्सक्राइबर्स हो गए, बहुत लंबा समय लग गया 3K सब्सक्राइबर्स होने में, बट फाइनली 3K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और जितना हो सके वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट भी हो और मोटिवेशन भी मिले, क्योंकि आप सब जितने भी मेरे स्टार्टिंग में कम व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े थे, जो अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड है, इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम में भी मेरे साथ हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे ये कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके मुझे नाम काफ़ी अच्छे से याद है और अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड है, जिनकी हर एक मेरी वीडियो पर कमेंट आता, जो काफ़ी अच्छा लगता है। और कोशिश करूँगी कि कभी हज़ारों में भी अगर कमेंट्स आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में तो मैं हमेशा सबके रिप्लाई भी करूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत उम्मीद से हम जबकि वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि हम रिप्लाई करें, लेकिन रिप्लाई बहुत ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं। पर मेरी कोशिश है कि अगर आपने कोई डाउट पूछा है तो मैं उसे रिप्लाई के थ्रू जो है आप सबको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि एक वीडियो में हर बार सबके डाउट्स क्लियर करने की जो पॉसिबल नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि डाउट छोटा ही होता है लेकिन वो पॉसिबल होता है कि मैं कमेंट में क्लियर कर दूँ, तो पूरी कोशिश करूँगी। बाकी ऐसे सपोर्ट और प्यार भी करते जाइएगा जैसे आप हमेशा अभी तक दिखा रहे हो। और ये 3K के जो सब्सक्राइबर अभी 3,000 सब्सक्राइबर्स हैं,
तो होपफुली कि जल्दी मेरे 3 लाख की फैमिली भी हो जाए। और ये 3,000 की फैमिली में आप जब जितने भी लोग मुझे कमेंट्स करते हो और मेरी वीडियो को देखते हो और लाइक करते हो ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। जितनी भी मैं मेहनत करती हूँ ना, जिनको मैं केक बना के देती हूँ और प्रेजेंट करती हूँ ना, उनसे ज़्यादा खुशी मुझे यहाँ पर होती है। क्योंकि ये एक मेरा कुछ हॉबी भी थी करने की, लेकिन कभी सोचा नहीं था। लेकिन बहुत सपोर्ट से मुझे ये करने का मौका भी मिला है और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और टाइम के साथ मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है। पहले मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती थी। तो चलिए, बातें बहुत हो गई। बातों के साथ साथ आपने देखा कि मैंने क्रीम की जो भी कलरिंग है, मैंने पिंक कलर मिलाया था और कुछ मैंने पिंक और येलो कलर मिला के कुछ पीच कलर टाइप का बना लिया था, थोड़ा डार्क शेड में। उसे आप डार्क लाइट जैसा भी आप कर सकते हो। और अच्छे से हमने आइसिंग कर ली, क्रम कोट कर लिया, स्विल्स के अच्छे से डिज़ाइन बना लिए। भाई वो तो हमने बनाने ही है स्विल्स के डिज़ाइन। और फ्रंट पे हमें क्लाइंट ने कहा था कि नाम लिखना है, तो यहाँ पे वर्षा, हमने यहाँ पे नाम लिख दिया कटआउट करके। और मेकअप थीम पे केक था। अच्छे से हमने यहाँ पे ये आई शेडो वाली पैलेट बना ली, जो काफ़ी ईजी है। इस तरीके से हमने कट कर लिया। और ये जो सर्कल हमने कट किए हैं ना, ये सबसे छोटी वाली जो नोज़ल होती है ना, उसकी बैक साइड को ऐसे सर्कल करके मैंने कट कर लिया था। तो आपको कुछ भी कटर की ज़रूरत नहीं है, आप उसे आराम से कर सकते हो। और इस तरीके से स्टिक लगा के इसे अच्छे से मैंने ठंडा, यानी कि एकदम ड्राई होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद इसे यहाँ पर लगा दिया। साथ में मैंने यहाँ पे बनानी है लिपस्टिक। काफ़ी सिंपल है बनाना, लेकिन अगर आपको इसकी भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो आप सबके साथ शेयर कर दूँगी कि जो भी मैंने मेकअप थीम की जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो सब शेयर कर दूँ। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने कहा था कुछ स्टीकर लगा देना, कुछ फॉन्डेंट वर्क बजट के हिसाब से सारी चीज़ें। और फॉन्डेंट वर्क उतना खाया नहीं जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए जैसी उनकी डिमांड थी वैसा किया। और सबसे बड़ी बात कि केक की स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं थी, 1/2 kg का केक था, तो सारी चीज़ों को हमें हॉच पॉच नहीं करना था, क्लासी लुक देना था। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें, सारे स्टिकर, सारी डेकोरेशन केक पे ही लगा दे, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे 2 स्टिकर्स हमने इस तरीके से लगाए जो ब्रशेज़ के थीम वाले थे, ताकि काफ़ी अच्छी सी लुक आए। तो इसकी ओवरऑल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी ओवरऑल लुक है। और साथ में जो केक का प्राइस था, 1/2 kg का हमारा केक था, तो इसका मैंने 700 लिया क्योंकि फॉन्डेंट वर्क था। बाकी आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है आप इसे चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट है ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।